एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूंग वेल तो आज की वीडियो होने वाली है मीनीसो हॉल एंड इसमें अफोर्डेबल प्लस यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं सो आई एम श्योर आपको काफी पसंद आएगी सो लेट स्टार्ट विदीडियो फर्स्ट आइटम इज़ अ बेसिक असेंशियल इफ़ यू आर इन टू फेस शेविंग सो आई गॉट दिज मिनीसो ब्राउ ट्रिमर एंड दिस इज़ हाउ द लुक लाइक इट दे कम इन अ पैक ऑफ फोर फॉर रुपीज़ वन नाइंटी इसलिए मैंने दो लिए हैं एंड आई जस्ट शो यू हाउ द रेजर लुक्स लाइक सो इट हैज़ दिस एग्जैक्ट पैटर्न एंड ऑल्सो इट कम्स विद अ कैप जिससे कि इसमें यू नो कोई बैक्टीरिया कैच नहीं करेगा एंड फंगस वगैरह लगने के कम चांस हो जाते हैं एंड यू शूड नैवर बाय दोज रेजर्स जिसमें कि यू नो स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन प्लेट होती है आपको वो कभी भी बाय नहीं करनी चाहिए उससे क्या होगा कि आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपने आप को कट कर लोगे सो नेवर बाय दोज हमेशा वो वाले रेजर्स लो चाहे वो मिनीसो के हो या फिर कोई और ब्रांड के हो डट मैटर बट ऑलवेज मेक श्योर कि उसमें जिक्जैक्ट पैटर्न हो और ना कि स्ट्रेट हो although they have mentioned that it is a brow trimmer but I always use it for my facial hair. I usually shave this area of my face. I think इसको side locks बोलते हैं I'm not sure but I don't use it for my upper lips or eyebrow because वहाँ पे मुझे thick hair आते हैं hai, like normally भी जब मैं face shave नहीं करती थी तब भी मेरे यहाँ पे and यहाँ पे thick hair आते हैं hai as compared to this area of my face. So जहाँ तक मैंने देखा है face shave करने से आपकी growth में या फिर hair type में कोई change नहीं आता है इट्स जस्ट कि जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ है आपको वही आएगी सो so, या yeah, बस एक डिफरेंस होता है कि वैक्सिंग से रूट से निकल जाते हैं एंड शेविंग से जस्ट अपर लेयर निकलती है सो यू कैन चूज़ वट एवर सूट्स यू कोई एमरजेंसी हो तो अलग बात है तो मैं अपर लिप्स या फिर आईब्रो पे यूज़ कर लेती हूँ बट्स बीन सो मेनी ईयर्स की आई एम टू फेस शेविंग एंड मैंने मिनीसो के रेजर से ही स्टार्ट किया था एंड टिल डेट आई एम यूजिंग मिनीसो के रेजर्स लाइक बीच में थोड़ा स्विच कर लेती हूँ ब्रांड्स का बट मिनीसो के रेजर्स मेरे बिल्कुल फेवरेट हैं एंड दैट इज़ वाई आई हैव स्टॉकड डिप ऑन देम ऐसा नहीं है कि सब फेस uh, शेविंग कर रहे हैं आज कर, तो आपको भी करनी जरूरी है बिल्कुल ऐसा नहीं है एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू सो डू नेक्स्ट आई हैव दिस सुपर क्यूट क्वेश्चन स्ट्रॉबेरी शेप इसका मटीरियल काफी ज्यादा सॉफ्ट है सो इफ यू टू यू नो गिड टू समन जिसको ऐसी चीजें पसंद हैं देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट गिफ्टिंग ऑप्शन एम आर पी ऑफ दिस वन इज Only 490 and I think it's completely worth the price because of the quality of the cushion. To be honest, मुझे ऐसी चीजों का इतना ज़्यादा शौक नहीं है but uh, I don't know when I saw this मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गया so I had to get it. Just look at the color like इतना ज़्यादा प्यारा color इसका. अगर मुझे इसका Amazon link मिल गया तो मैं definitely description box में डाल दूँगी so do check that out. ये तो इतनी जल्दी फिनिश होते हैं बस मैं क्या ही बताऊँ सो आई रिस्टॉक्ड कॉटन पैड्स फ्रॉम मिनीसो एंड मिनीसो के कॉटन पैड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लाइक like, मिनीसो के प्रोडक्ट्स मुझे इन जनरल ही बहुत पसंद है सो आई गॉट दिज टू पैकेट्स द फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस तो पहले आपको ये वाला दिखाती हूँ दिस इज द वन विच आई एम करंटली यूजिंग एंड इट सेज स्क्वेयर कॉटन पैड्स इट हैज़ वन एटी पीसेज एंड द एम आर पी ऑफ दिस वन इज़ रुपीज़ वन फिफ्टी And this is how the cotton pad looks like. Coffee's other soft hair, like just a basic cotton pad, but the quality is amazing. सारे कॉटन पैड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो मैंने डेफिनेटली देख लिया बिकॉज मैं काफ़ी सारी ब्रांड्स ट्राई कर रही हूँ कॉटन पैड्स की भी एंड आई कैन डेफिनेटली से कि मनीसो के आर दी बेस्ट एंड आई थिंक इट्स सच अ ग्रेट डील कि आपको 150 के लिए 180 एट्टी कॉटन पैड्स मिल रहे हैं दैट टू ऑफ सच गुड क्वालिटी सो दिस इज द सेकेंड पैकेट एंड इट सेज कॉटन पैड्स मल्टीपर्पज सॉफ्ट टू टच जेंटल ऑन स्किन सुपीरियर स्किन एफिनिटी

जस्ट सिंपल बेसिक प्लेन कॉटन पैड आई बेसिकली यूज कॉटन पैड्स टू रिमूव माई मेकअप बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो टोनर अप्लाई करने के लिए भी कॉटन पैड यूज़ करते हैं बट आई डोंट यूज दैट मेथड फॉर अप्लाइंग टोनर टोनर के लिए मैं इसलिए मैं स्प्रे वाला फॉर्म ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि इस कॉटन पैड्स यूज ही नहीं करने पड़ते सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अफोर्डेबल कॉटन पैड दैन डेफिनेटली चेक आउट द मनीसो पैंड अब इतने सारे कॉटन पैड लिए हैं तो उनको स्टोर करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना सो आई सॉ दिस काटन पैड कंटेनर इन मिनीसो एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक आई वॉज सो हैपी एंड सरप्राइज एट द सेम टाइम कि ऐसा कुछ भी आता है बट इट सेज कॉटन पैड कंटेनर एंड इसकी एम आर पी कहीं पर मैंशन नहीं है पर आई एम श्योर की इट वॉज अंडर फाइव हंड्रेड एंड दिस इज हाउ द कंटेनर लुक्स लाइक इट कम्स विद दिस लिड विच इज़ रियली कन्वीनियंट आई यूज़ इट ऑन डेली बेसिस बहुत अच्छा है बहुत कन्वीनियंट है विट एल जिस शो यू मैं इसको कैसे यूज करती हूँ एंड दिस इज द लिड जब आप इसको रिमूव करते हो तो इसमें ये चार कंपार्टमेंट आते हैं दिस इज द बिगेस्ट वन इसमें मैं कॉटन पैड रखती हूँ एंड दिस इज द मीडियम साइज वन इसमें भी मैं कॉटन पैड स्टोर करती हूँ एंड जो ये दो छोटे वाले हैं इसमें आई कीप द कॉटन ईयरबड्स एंड जब आप इसको ऐसे बंद करोगे तो ये इजीली बंद भी हो जाता है लाइक प्रॉपर लॉक हो जाएगा एंड है यू कैन सी दिस स्पेस तो यहाँ से यू कैन पुल आउट द कॉटन पैड बहुत अच्छा है एंड आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट परचेज फ्रॉम मिनीसो देन आई हैव दिस ब्लैक एस्थेटिक डस्टबिन जो कि अभी मेरे वॉशरूम में है सो so इसलिए मैं पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ ताकि आप देख पाओ एंड द क्वालिटी इज लाइक टॉप नॉच बहुत अच्छी क्वालिटी है एंड प्राइस भी इसका नहीं था एंड इनिशियली आई वॉज लुकिंग फॉर अ डस्टबिन फॉर माई रूम बट ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको भी वॉशरूम में रखा हुआ है अभी जब दोबारा जाऊंगी तो मैं रूम के लिए ले आऊंगी साइज मुझे ऐसा चाहिए था जो कि यू you know, नो ना ही ज्यादा बड़ा हो ना ही ज्यादा छोटा हो बिल्कुल परफेक्ट साइज है एंड आई डोंट नो वाई पीपल से मीनिस सिर्फ क्यूट स्टफ मिलता है एंड नॉट यूजफुल थिंग्स जो भी मैंने आपसे शेयर किया है एवरी थिंग इज यूजफुल एंड वर्थ द मनी बट डेफिनेटली डू लेट मी नो योर था ऑन दिस

फाइव आवर्स थोड़ा मतलब रीअप्लाई करना पड़ता है बट आई थिंक बॉडी मिस्ट ज्यादा स्टे नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू परफ्यूम्स सो इफ़ यू आर इन टू बॉडी मिस्ट एंड यू डोंट माइंड कि आपको री अपलाई करना पड़ेगा सो डेफिनेटली चेक द डाउट आई नीडिड दिस सो बैडली लाइक मेरा सामान हर जगह फैला हुआ था बट नाउ इट इज़ इन अ बेटर कंडीशन सो आई वॉट फोर ह्यूज स्टोरेज बॉक्सेज एंड फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वाइट बॉक्स ऐसे मैंने दो स्टोरेज बॉक्सेज लिए हैं एंड इसके बाद जो दिखाऊंगी वो भी मैंने दो लिए हुए हैं फर्स्ट इसके बारे में हम पहले बात करते हैं एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरेज बॉक्स लुक्स लाइक एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसके अंदर मैंने अपने आई शेडो पैलेट्स एंड फेस पैलेट्स मैंने स्टोर करे हुए हैं बिकॉज यू कैन सी कि इतना ज़्यादा डीप है तो इसमें आप अपनी बॉडी बॉटल्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो लाइक टोनर्स सिरम फाउंडेशन इसमें आप वो इजिली स्टोर कर सकते हो एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है लाइक आई बिलीव इसमें इलेवन टू ट्वेल्व पैलेट्स हैं इसमें एंड द एम आर पी इज़ ओनली नाइन्टी रुपीज़ सो डेफिनेटली वर्थ द प्राइज एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन इसको तो क्लियरली मैंने इसके कलर की वजह से लिया था बिकॉज इट इज सच अ सूदिंग पेस्टल ब्लू कलर बट कभी कभी ये सेज ग्रीन लगता है मुझे एंड uh, कभी कभी ये मुझे पेस्टल ब्लू लगता है बट एनी जो भी कलर है बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसलिए मैंने दो लिए हैं एंड दिस इज़ द सेकेंड वन सो आई हैव दिज टू एंड इट रिटेल्स फॉर वन सेवेंटी रुपीज़ ईच एंड इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है एंड दिस इज हाउ द स्टोरेज बॉक्स लुक्स लाइक इसको मैं अपने वॉशरूम में रखती हूँ लाइक यू नो इस पर फेस स्क्रब बॉडी स्क्रब्स एंड लोशन शैम्पू कुछ भी स्टोर कर लो मैं तो इनको ऐसे यूज करती हूँ अगेन यूज़ इट एज़ पर योर नीड किचन में भी बहुत अच्छा लगेगा लाइक आप इसमें मसाले एंड बॉटल्स वगैरह कुछ भी स्टोर कर सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली बाय दीज विदाउट एनी सेकेंड थाट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टोरेज बॉक्स टू ऑर्गेनाइज योर स्टाफ मूविंग ऑन टू स्किन केयर आई हैव शीट मास्क फ्रॉम मिनिशो विच आई वॉज इंट प्लानिंग टू बाय बिकॉज वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है अनलेस एंड अन्टिल दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड आई थिंक मीसो वाले बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं बट आपको मिलते हैं बायोडिग्रेडेबल वाले तो आप वो वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हो एंड आई थिंक वही बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको शीट मास्क को ज़्यादा ही पसंद है तो आप वो वाले बाय कर सकते हो बट मनीसो वाले आई एम नॉट श्योर आई थिंक वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है मीसो हैड अ फुल रेंज ऑफ लाइक सुपर फूड फेशियल मास्क जिसमें ऑलमोस्ट हर वेरियंट था लाइक Rose, cucumber, so many thin variant. And the first one is this um, superfood facial mask Korean ginseng for brightens and revitalizes your skin. And this is how the packaging looks like. Now each sheet mask retails for rupees 60, and the second one is this um, softening and nourishing face mask in the variant avocado. And this is the packaging of the avocado one. Now, the last one is this uh, lightening facial mask and uh, it is in the variant beetroot. So these are the three sheet mask and the ingredients are so good, so no regrets. आई रिमेंबर अभी बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड आया था दैट एवरी वन वॉज यूजिंग माइक्रोफाइबर हेयर टावल एंड आई ऑल्सो वॉन्टिड टू ट्राई दैम बट मैंने जब नाइका पे चेक किया सो द प्राइज वर रियली हाई एंड आई ड्रॉप द आइडिया बट जब मैं मिनीसो पे गई एंड मैंने ये हेयर टावल देखा सो आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड द प्राइज वॉज ऑल्सो रियली अफोर्डेबल एंड मैंने तभी के तभी ये बाई कर लिया दिस इज़ द हेयर टावल एंड आई डोंट रिमेंबर इसमें और भी कलर थे या नहीं दिस इज़ द लेंथ आई नो इट्स प्रटी बिग बट मेरे बाल बहुत लंबे हैं लाइक like, मेरे बाल वेस्ट तक हैं तो मुझे थोड़ा सा छोटा पड़ता है बट समथिंग आई कैन मैनेज बिकॉज इट वॉज सो मच सो आई थॉट कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं एंड दिज आर सेट टू बी द बेस्ट टावल्स फॉर योर हेयर असाइड फ्राम इट्स फास्ट ड्राइंग प्रॉपर्टीज माइक्रो फाइबर टावल्स आर ऑल्सो नॉट एज रफ एज अद सो बेसिकली माइक्रो फाइबर टावल्स कैन ड्राई योर हेयर मच फर एंड दे ऑल्सो एबजॉर्ब वेटनेस विदाउट गेटिंग टू वेट दैम सेल्व्स अभी तो मैंने कोई खास डिफरेंस नहीं देखा ये यूज़ करने के बाद बट आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी सो दिस इज़ माई हैंडल राधिका टोकस ऑफिशियल तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो वहाँ पे मैं आपको स्टोरी पे अपडेट कर दूँगी कि इसमें कुछ डिफरेंस आया भी है या नहीं आया ताकि आप यू नो स्किप कर सकते हो या फिर नहीं एंड अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर लो कोई हार्म तो है नहीं इसमें ठीक है देन इसके बाद मैंने दो हैंड टावल लिए एंड आई लव कलेक्टिंग हैंड टावल्स लाइक मुझे बस हैंड टावल्स दिखने चाहिए एंड आई विल डेफिनेटली बाई देम सो दीज़ आर देंड टावल्स एंड इसका काफ़ी क्यूट प्रिंट है लाइक व्हाइट एंड पिंक में चेक प्रिंट है सो दिस इज़ रियली नाइस एंड साइज भी काफ़ी अच्छा है लाइक प्राइस के हिसाब से सी दिस इज़ द साइज काफ़ी डिसेंट है एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो रियली नाइस काफ़ी बार मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ एंड फेस के लिए एंड बॉडी के लिए आपको सेम टावल यूज़ नहीं करना चाहिए फेस के लिए कीप अ सेपरेट टावल एंड बॉडी के लिए यूज़ अ सेपरेट टावल एंड या दिस इज रियली नाइस ऑप्शन सो फर्स्ट ये था एंड सेकेंड ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव द क्यूटेस्ट किचन हैंड टावल एंड दिस इज द हैंड टावल लाइक जस्ट लुक एट इट दिस इज सो क्यूट बहुत क्यूट है एंड क्वालिटी uh, भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड इट कम्स विद दिस हैंगर जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है इसको हैंग करना एंड यू नो आप इससे आराम से अपने हाथ पूछ सकते हो एंड दिस इज द क्लोजअप ऑफ द हैंड टावल बहुत क्यूट है ऐसा लग रहा है किसी बच्चे की ड्रेस है लाइक जिस लुक कैट इट कितनी सुंदर है मुझे तो बहुत अच्छी लगी एंड uh, जब वहाँ पे पापा ने ये बास्केट में देखा तो ही वॉज लाइक कि गॉरिका के लिए है क्या बाई द वेग और विका इज़ माई नीस फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो एंड तो मैंने बताया पापा को कि नहीं ये किचन का हैंड टावल है एंड बिकॉज मेरे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यू था मैंने पहली बार देखा था एंड आई वॉज रियली अमेज बाई द क्रिएटिविटी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो एंड द क्वालिटी इज़ लाइक टॉप नॉच बहुत अच्छी है मीनिसो का मतलब मैं बता रही हूँ ना सब कुछ बहुत अच्छा है अब तक मैंने आपको जो भी दिखाया है सब कुछ लाइक like, क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड अफोर्डेबल भी है एट द सेम टाइम ठीक है तो आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो इस पर एंड uh, बस मैं इसको देखती रहती हूँ पूरे टाइम बहुत क्यूट लगता है वो आई हैव वन मोर प्रोडक्ट एंड आई अ सक फॉर सेंटेड कैंडल्स मुझे बहुत अच्छी लगती है सेंटेड कैंडल्स लाइक विदाउट फ्रेगरेंस वाली मुझे उतनी पसंद नहीं है सो आई गॉट दिस रोज चार्मिंग सेंटेड कैंडल एंड द एम आर पी ऑफ दिस वन इज़ ओनली रुपीज़ टू थर्टी लाइक इसकी पैकेजिंग देखो कितनी सुंदर है दो आई एम नॉट अ बिगेस्ट फैन ऑफ लाइक रोज बिकॉज इसकी फ्रेगरेंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती बट दिस इज़ नॉट एट ऑल ओवर पावरिंग तो इसलिए मैंने ये ले ली एंड यहाँ से यू कैन स्निफ द फ्रेगरेंस ऑफ एनी कैंडल एंड ये ऐसे बंद हो जाता है सो आई एल शो यू द इनर पैकेज एज वेल well. सी कितनी ज्यादा अच्छी पैकेजिंग है लाइक सुपर क्यूट बिल्कुल सिंपल है एंड बहुत अच्छी है एंड फ्रेगरेंस भी बिल्कुल भी ज्यादा यू नो ओवरपावरिंग नहीं है अगर आपका भी होता है कि हेडेक हो जाता है, है से या फिर आपको रोज़ फ्रेग्रेंस इतनी नहीं पसंद तो आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो कि मुझे भी रोज़ इतने पसंद नहीं है आई नो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड बिकॉज गर्ल्स को यूजुअली रोज बहुत पसंद होता है बट मुझे नहीं है मुझे तो ये कैंडल बहुत अच्छी लगी लाइक वेरी मिनिमल एंड अफोर्डेबल एट द सेम टाइम इसमें और भी काफ़ी सारे वेरियंट है तो आप चेक कर सकते हो एंड इस प्राइज रेंज में ऐसे कैंडल मिलना आसान नहीं है लाइक ट्रस्ट मी एंड बाथ एंड बॉडी वर्कस की कैंडल जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है बहुत एक्सपेंसिव है बट uh, पसंद भी है क्या करें